हेलो बच्चों, आप कैसे? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा पढ़ाई करोगे। आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाऊंगा। वो जो फॉर्मूला है वो क्या है? फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला। फेरस ऑक्साइड फॉर्मूला भी केमिस्ट्री में कई जगह यूज होता है, और केमिस्ट्री अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला याद करना शुरू कर दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को पुश कीजिए, और ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियोज केमिस्ट्री की मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अगर मेरे पुराने वीडियोज देखना चाहते हैं तो मैंने लिस्ट बना दी, और जिससे आप जाकर अच्छा खासा केमिस्ट्री की जो बेसिक केमिस्ट्री होती है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जब आपको बेसिक केमिस्ट्री आएगी तभी आपको आपकी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी। तो यह भी एक क्या है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग हो जाना है तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सबसे पहले आपको सिंबल आना चाहिए। मैंने जो की पॉइंट लिख रखा है तो उसका मीन्स ये है कि जो की पॉइंट बनता है मैं साइड में लिख देता हूँ, जिससे आपकी आपको समझ में जल्दी आ सके। तो फेरस का होता है Fe होता है, और ऑक्साइड का होता है हमारा O होता है। आप जो ये फॉर्मूला डिपेंड होता है वो आयरन पर डिपेंड करते हैं। आयरन हमारे क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनके फोर पार्ट्स होते हैं, प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फोर, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर। इनके जो नाम होते हैं सीख लीजिए आप, उसमें बोलते हैं मोनो वैलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट बोलते हैं, सेम नाम इधर बोलते हैं। यहाँ जो फेरस का होगा वो होगा प्लस का टू, इसका माइनस का टू। अब क्या करेंगे, Fe2 और ऑक्साइड का है हमारा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा Fe2O2, जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा हमारा FeO आएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला सीख लिया। इस वीडियो को आप दोस्तों भी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और किस टाइप के वीडियो मुझसे चाहते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सर।